यहाँ पर मैं पश्चिमोत्तासन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पश्चिमोत्तासन में बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, यहाँ दो करके दिखाएंगे, एक पाद पश्चिमोत्तासन और द्विपाद पश्चिमोत्तासन। इसमें ये पोस्चर डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, नर्वस सिस्टम को टोन करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसको खाने के इमिडिएट बाद नहीं कर सकते, कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप रखना चाहिए, क्योंकि पूरा अब्डोमिन इसमें, पूरे अब्डोमिनल मसल्स का, पूरे अब्डोमिनल ऑर्गन का कॉन्ट्रैक्शन होता है ज़्यादा, तो इसलिए खाने के इमीडिएट बाद आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब्डोमिनल ऑर्गन के मसाज के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन 2.5 से 3 घंटे बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहला करना है एक पाद पश्चिमोत्तासन, राइट फुट को थाई पर रख लेना है, इनहेल करते हुए सेंटर में रखेंगे, नी और अपर थाई के बीच में सेंटर में फुट को रखेंगे, नी को फ्लोर पर रखने की कोशिश करेंगे, इनहेल करते हुए आर्म्स अप, इंटरलॉक योर फिंगर्स, इनहेल एंड स्ट्रेच। इससे लंग्स की कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है, लंग्स का ऑक्सीजन कंज्यूम करने का कैपेसिटी भी अच्छा होता है। विद एक्सहेलेशन बेन इन फ्रंट, ओपन योर फिंगर्स, कैच योर टोज, एल्बो ऑन द फ्लोर, एल्बो को फ्लोर पर लाने की कोशिश करेंगे, टोज को अंदर की तरफ खींचेंगे, कॉफ और हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, सिर को नी से लगाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे चेस्ट को थाई से लगाना चाहिए। विथ इनहेलेशन 15 to 20 सेकेंड्स इस पोस्चर रुकने के बाद वापिस आ जाएंगे। फिर दूसरा पोस्चर, लेफ्ट फुट ऑन राइट थाई, विथ इनहेलेशन स्ट्रेच आर्म्स अप, फिर से वही काम, इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना है और फिर फॉरवर्ड बेंड करना है, फिंगर्स को खोल लेना है, टोज को अंदर की तरफ खींचना है, लेग्स को स्ट्रेट रखेंगे, नी को बेंड नहीं करना है। तो इस तरह से अगेन इसको 15 to 20 सेकेंड्स तक पोस्चर को होल्ड करके रखना है। इसके बाद द्विपाद पश्चिमोत्तासन दोनों पैर से, अब भी फिर से दोनों पैर से यही पोस्चर परफॉर्म करने हैं, इनहेल करते हुए इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच अप, ये बॉडी के, अपर बॉडी के टेंशन को भी दूर करता है, साथ ही साथ जो बैक मसल्स में टेंशन रहता है उसको दूर करता है। यदि किसी को लोअर बैक पेन है, या स्लिप डिस्क है, तो उस कंडीशन में इस पोस्चर को नहीं करना चाहिए, बाकी सारे नॉर्मल कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं। विथ एक्सहेलेशन बेंड इन फ्रंट, फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपको हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। बेंड एंड होल्ड फोरहेड टू द नी, एल्बो ऑन द फ्लोर, होल्ड फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, देन कम बैक। यदि बिगनर है तो 3 बार हर एक पोस्चर को आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, और इसके साथ साथ इसका काउंटर पोस्चर उष्ट्रासन या सुप्त बाल वज्रासन आपको करना चाहिए, वो हम किसी और वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। थैंक यू।